और तिलक करवाया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाया। और उसके बाद सारे ब्रजगोपियों इकट्ठा हुए, इकट्ठा होके नाच गाना करके जैसे उत्सव मनाया जाता है, नृत्य कीर्तन है था, नृत्य के कीर्तन करके वहाँ पे उत्सव करना शुरू कर दिए। तो इतने में कृष्ण को शायद कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ पे बता रहे हैं टीका में कृष्ण को भूख लग गया, तो वहाँ पे यशोमती मैया उनको स्तन्यपान करवाते हैं। और जैसे ही स्तन्यपान करवाते हैं तो कृष्ण को शायद नींद आएगा, और नींद आएगा इसीलिए ये सोचते हुए श्री यशोमती मैया ने अपने जो शकट था वो शकट के अंदर पूरा दूध दही माखन मिश्री आदि सारे के सारे चीज वहाँ पे भरा हुआ था। तब उसी समय इन्होंने सोचा कि अब कीर्तन होगा, और कीर्तन के शोर से, कीर्तन के शब्द से शायद कृष्ण जग जाएंगे। यही सोचते हुए श्री यशोमती मैया ने उनको क्या किया, ना शकट के नीचे उनको लेटा दिया। अब इधर तो कृष्ण अलग से हैं और इधर ये लोग उत्सव करना शुरू कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे उत्सव कर रहे हैं नाच गाना कीर्तन के, अब बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, मतलब गायत्र तत्रतिष्ठा में नारद, जहाँ पे भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पे भगवान हर समय विराजमान रहते हैं। अब कृष्ण आँख खोले, बोले देखे मेरे बगल उत्सव चल रहा है, मेरा ही उत्सव है, मैंने करवट लीला लिया और मेरा उत्सव मेरे बगैर कर रहे हैं और मुझे दूर लेटा दिए हैं। तब इतने में मैं ऐसा कुछ ऐसा काम करूं जो वहाँ पे उत्सव में मैं जाके हर समय सम्मिलित रहूं। अब लीला वैसे प्रभु नए देहानुसंधान इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान। अब ठाकुर जी के जो जो माया देवी ये ठाकुर जी की ये इच्छा को उन्होंने जान पाए और जान करके वहाँ पे दक्षिणा क्या किए, कंस फिर से एक प्रेरित किया एक असुर को जिसका नाम था शकटासुर। ये शकटासुर को कंस ने फिर से प्रेरित किया, एक फिर से जो माया के इच्छा से वहाँ पे क्या हुआ, शकटासुर आके पहुँचा। अब कृष्ण देख के खुश हो गए, बोले मामा जी आ गए। तो कैसे ना कि कंस के कंस मामा है और शकटासुर कंस के मित्र है। तब तो जैसे ही शकटासुर वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि ये अकेला कृष्ण वहाँ पे शकट के नीचे सोए हुए। अब ये शकटासुर चिंता किया कि इसको शकट के अंदर ही ऐसे चाप दूँ, मतलब इस प्रकार का जोर दूँ कि शकट इसके ऊपर गिर जाए और ये कृष्ण का अनिष्ट करने के लिए इच्छा से शकट के ऊपर विराजमान कर गया। अब जैसे ही शकट को धीरे 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 नीचे करने लगा, तब कृष्ण ने जान गए और कृष्ण ने धीरे करके अपने जो चरण को चरण कमल को शकट के ऊपर लगाया। और जैसे ही अपने चरण कमल को शकट में लगाया तो वहाँ पे पूरा का पूरा शकट पूरा कितने योजन तक वहाँ जाके गिरते हैं और पूरा दही उस शकट के अंदर जितने भी दही माखन मिश्री थे सब टूट गए और सारे के सारे वहाँ पे बहने लगे। और वहाँ पे बहुत जोर से शब्द हुआ, जैसे ही शब्द हुआ वहाँ पे तो उसी समय ये नंद बाबा यशोमती मैया और बाकी अन्य सब उत्सव कर रहे हैं ब्रजगोपियाँ, तो तुरंत दौड़ दौड़ के वहाँ पे आते हैं और कृष्ण को वहाँ से उठाते हैं। कृष्ण को फिर से ब्राह्मणों के द्वारा सृष्टि वाचन करते हैं। यशोमती मैया सोचते हैं कि कृष्ण को फिर से कोई, मेरे लाला को फिर से कोई अला वाला आ गया है और कृष्ण के ऊपर ये मंडरा गया है। तब यहाँ पे एक विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि ये उत्सव 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 यानी अगर भगवान के बगैर अगर हम किसी भी उत्सव करेंगे, जैसे कोई भी किसी का बर्थडे हो गया, किसी का एनिवर्सरी हुआ और कुछ भी तिथि आ गया, तो उसमें अगर भगवान के बगैर अगर हम कुछ भी चीज़ को करेंगे तो क्या है, वो केवल सब ही है, वो केवल सब ही है। तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे बगैर यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना, कृष्ण को ले बिना लेके इन्होंने उत्सव आरंभ कर दिया था। तो कृष्ण बोल रहे मैं प्रत्यक्ष रूप में होते हुए भी मेरे बगैर ले लिया, इसलिए यहाँ पे विशेष रूप में शिक्षा दे रहे हैं कि जहाँ पे विशेष करके ठाकुर जी को ग्रहण करके, ठाकुर जी को केंद्रित करके हमारे सारे कार्य, हमारे सारे कर्म, हमारे सारे उत्सव, सारे फंक्शन, ये सब क्या होना चाहिए, ये ना कृष्ण का केंद्रित है, मतलब कृष्ण को केंद्रित करके कृष्ण के उद्देश्य के लिए हम ये अगर करेंगे तब तक ठाकुर जी हमारे ऊपर विशेष रूप में कृपा करेंगे।
हरे कृष्ण ओम ज्ञान गुरुम तस्य ज्ञानाय सदाभिः चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टतले कृष्णाय भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे कालिया धमन की कथा सुन रहे थे, जिस समय कृष्ण पेड़ को ऊपर में जा करके छलांग लगाए और 40 हाथ तक पानी उछल करके कालिया की गुफा में प्रवेश कर गया। इतने में कालियों को बड़ा क्रोध आया और कृष्ण क्या कर रहे थे, पानी को अंदर में एकदम उथल पुथल मचा रहे थे। कालिया ने देखा, भैया ये कौन है, इसको ऊपर कोई चिड़िया भी उड़ करके नहीं जा सकते, आसपास में कोई पेड़ पौधा नहीं, किसका इतना हिम्मत है और ये तैर रहा है, किसका इतना हिम्मत है। इतने में वहाँ से कालिया ने उठा, लेकिन कालिया का जो पत्नियाँ थी बड़े कृष्ण भक्त थे और बीच बीच में इसको कृष्ण कथा सुनाते थे। बोले देखो कृष्ण साधारण नहीं भगवान, लेकिन ये बड़ा अहंकार था ना, बोले गैया को पीछे पीछे डोलता रहता है, घर घर में मक्खन चोरी करता है, भगवान हो गया। वो नहीं मानता था, लेकिन जब उसने उठा पत्नियों ने मना की, लेकिन पत्नियों की बात उसने सुना ही नहीं। इतने में जब देखा कृष्ण तो बड़े सुंदर बड़े प्यारे कृष्ण हैं, अद्भुत सुंदर भगवान का रूप है। इतने में हम पहले श्रवण कर रहे थे कैसे उन्होंने कृष्ण को जा कर के पूरा शरीर में लपट गया। अगर सांप उसको लपट जाए ना, फिर तो छुड़ाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम पहले सुन रहे थे कृष्ण बोले भैया पहला बारी तेरा है, ऐसे नहीं बाद में तुम बोलोगे मेरे को मौका ही नहीं दिया, जो कुछ करना तो कर ले। पास उसने कृष्ण का जो मर्म स्थान, जो कोमल अंग जहाँ पर कंठ है, जहाँ पर कोमल स्थान, उसने दंशन किया, लेकिन कृष्ण का कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ, इतने में ब्रज में तरह तरह का अपशकुन देखने मिला, उल्का पात, कौए का का कर रहे थे, सियाल हैं सियाल बोल रहे थे, कुत्ते भूक रहे थे, कहते ये सब अपशकुन हैं। देखा बलदेव प्रभु नहीं आए, बोले क्यों नहीं आए थे, बलदेव प्रभु का जन्मतिथि था, इसलिए जन्मतिथि से कुछ दिन पहले उनको रोग लिया था, क्योंकि जन्मतिथि में अभी उनको गैया दान करेगा ब्राह्मण को, उसका उत्सव मनाएंगे। इतने में सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, बोले हो ना हो कालिया रथ में तो चली नहीं गई, सचमुच से आकर के देखा, क्या देखा, कृष्ण को कालिया पकड़ के रखा। बोले भैया क्या कालिया स्वयं आकर के खींच करके ले गया ना, कृष्ण स्वयं कालिया के पास में गई हैं, तरह तरह का बात कर रहे थे और सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में प्राण त्याग करने जा रहे, लेकिन दाऊ भैया ने करने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, बोले अभी अभी कृष्ण ऊपर आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो, अगर कृष्ण जब ऊपर आएगा फिर अगर तुम लोग प्राण त्याग करोगे तो फिर उनको प्रेम कौन करेगा, इसलिए कोई चिंता मत करो, अभी अभी कृष्ण आने वाले हैं। इतने में बलदेव प्रभु कृष्ण को इशारा करके बोले, बोले कन्या तू कर रहे हो क्या, एक मरा गला सड़ा ये एक सांप को साथ में खेल रहे हो, अरे खेलना तो मेरे साथ में खेलो ना, क्योंकि बलदेव प्रभु का एक अंश कौन, अनंत देव है, ये अनंत नाग उनकी अंश है,
बोले खेलना तो मेरे साथ खेलना, जो अनंत देव के साथ में, ये कि सड़ा गला हुआ है कि साधारण सांप के साथ में खेल रहे हो। देख तेरे विरह में सारे ब्रजवासी बड़े दुखी है, जल्द जल्द उठ कर क्या, नहीं तो सबके सब प्राण त्याग कर देंगे। कृष्ण उनको इशारा किया। जब कृष्ण इशारा किया, मैया जसोदा तो देख करके वहीं पर मैया जसोदा बेहोश होकर गिर पड़ी, उसकी होश आवाज कुछ नहीं रही। और जितने ब्रजवासी सब माताएं थी, सबके सब मैया जसोदा को गोद में लेकर के पानी लेकर मुंह में छिड़काव कर रहे थे, इनकी होश आ जाए, हैं इनकी होश आ जाए। और ब्रजवासी सबके सब कृष्ण विरह में प्राण त्याग देना चाह रहे थे। पहले हम लोगों ने सुना था, क्या सुना था बोलो, क्या सुना था? यहाँ पर ब्रजवासियों का प्रेम दिखा रहे हैं, कैसे ये ब्रजवासी कृष्ण विरह में प्राण त्याग देने जाते हैं। लेकिन कृष्ण जब द्वारका में थे, वहाँ पर जब जाम्बवन को ढूंढने के लिए कृष्ण अंदर में गए, कुछ दिन जब हो गया ना, लगता है कृष्ण मर गए, इसीलिए सबके सब वापस चले आए, हैं। लेकिन अंदर में कोई डर मार नहीं गए, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम कैसे देखो, कृष्ण विरह में ये प्राण त्याग देने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, इसको सामने आप किसी को ही बराबर नहीं कर सकते हो। कृष्ण ही जिनका प्राण ही कृष्ण जिनके ही। इतने में कृष्ण ने धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना शरीर को उन्होंने फुलाया। जब शरीर को फुलाया, काली का जो हड्डी सबके सब टूटना शुरू हुआ। जब टूटना शुरू हुआ, इतने में काली जब शरीर को मोटा कर दिया, टूटना शुरू हुआ, फिर कृष्ण झट पतले बन गए। अब पतले बन कर कृष्ण क्या किया, झट निकल करके कृष्ण आ गए। और निकल करके आ करके उन्होंने कालियों के सर के ऊपर उन्होंने छलांग लगा करके कालियों के सर के ऊपर में कृष्ण चढ़ गए। और कृष्ण चढ़ करके उनके ऊपर में कृष्ण नृत्य करना शुरू किया। नृत्य किया, एक सर कितना सा था बोले 100 फाड़े। कितना था? 100 फाड़े उनकी। अभी जो फाण नीचे था उसके ऊपर तो कृष्ण नृत्य कर रहे थे, लेकिन जिसका फाण ऊंचा था उसको जोर जबरदस्त नीचा करके उसके ऊपर में कृष्ण चढ़ रहे थे। चढ़ करके एक सर जो जो फाण को ऊंचा कर रहा था, उसी फाण के ऊपर में कृष्ण नीचा करके जोर जबरदस्त चढ़ करके और अपना प्यार की ठोकर से उसको क्या कर रहे थे, एकदम मर्दन कर रहे थे। इतने में लेकिन कालिया का सर के ऊपर मणि भी था, सर का मणि है, एक मणिधर सर्प होता है ना, मणि था। लेकिन कृष्ण का चरण तो बड़े कोमल चरण है, लेकिन कृष्ण जब उसको सर्प पर नृत्य कर रहे थे, कृष्ण का जो चरण है ना, एकदम कृष्ण का सर चरण तो बड़े कोमल, बड़ा कोमल शरीर है। इसलिए कभी कभी गोपियाँ कहती है, प्रभु तुम्हारी चरण कितने कोमल है, हैं। लेकिन श्रीर त्रिलांक रही सी दती तिना, इसलिए हे श्याम सुंदर इतने तुम्हारी चरण कमल कोमल है, हम अपना बक्ष स्थल में भी धारण करने के लिए हमें कष्ट लगता है। हमारी बक्ष स्थल कितना कठिन कठोर और इतने सुंदर चरण को हमें डर लगता है, लेकिन उसी चरण से तुम क्या कर रहे हो, वृंदावन में गैया को पीछे 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 आप भ्रमण कर रहे हो। गैया तो पशु जाती है ना, कहाँ जाना नहीं जाना पता नहीं। जब पत्थरों के ऊपर जाते हैं कृष्ण पत्थरों के ऊपर चलते हैं, जब कांटा के ऊपर चलते हैं कृष्ण भी कांटा के ऊपर चलते हैं। इसलिए कृष्ण का इतना सुंदर कोमल चरण, लेकिन जब उन्हें कालियों के सर पर नृत्य कर रहे थे, कृष्ण का चरण एकदम लाल हो गया। क्यों? उनका सर में मणि था, मणि के ऊपर में कृष्ण नृत्य कर रहे थे, एकदम लाल रंग हो गया कृष्ण का चरण। जब लाल रंग हो गया, उन्होंने जब उन्होंने इतने में जितने सब देवता लोग थे ना, तो सबके सब उतर कर के आ गए, अपना वाद्य यंत्र लेकर के आ गए। जब वाद्य यंत्र लेकर के आए, अब उसका सब फण है। जब उन्होंने इधर फण कृष्ण को काटने के लिए चाहते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, उसी फण के ऊपर में कृष्ण जाकर चढ़ जाते हैं। जब दूसरे फण को काटने चाहते कृष्ण यहाँ से पर वहाँ छलांग लगाते हैं। जब तीसरा चरण बढ़ाते हैं कृष्ण क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एक साथ में सब फण है। जब सब फण के ऊपर में कृष्ण इतने तेजी गति से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसको ऊपर में कृष्ण प्यार से जो प्यार फण को ऊंचा करें उसकी उसको क्या अपना चरण से जोर से उसको एकदम दबाते थे। जब दबाते थे, इतने में सब देवता लोग वाद्य यंत्र लेकर के आ गए।
बोले कब तक खड़े रहेंगे? देखो प्रभु इतने तेजी से चरण को चला रहे हैं जैसे वहां पर नृत्य प्रारंभ हो गया, इसलिए शंकर जी का नाम है नटराज है। शंकर जी का नाम नटराज मतलब क्या? जितने सारे नाचने वाले में राजा स्वयं शंकर जी, शंकर जी नटराज। लेकिन कृष्ण का नाम नटवर है, नटवर। नटवर मतलब क्या? नट मतलब होता है शंकर जी, वर मतलब होता है पति, इसलिए शंकर का भी पति है, इसलिए शंकर जी का भी पति है। बोले शंकर जी का पति कैसे हुए? बोले जब रासलीला हुई, जब रासलीला हुई कृष्ण तो रास कर रहे थे, शंकर जी गोपी बन करके आए, शंकर जी गोपी बने हैं ना, जब गोपी बने गोपियों का पति कौन है? कृष्ण। तो नट मतलब शंकर, वर मतलब पति, इसलिए कृष्ण कौन है? शंकर का भी पति श्री कौन है? श्री भगवान कृष्ण है। बोले श्री नटवर भगवान की। और दूसरा जो नटवर कहते हैं, कृष्ण कहते देखो तुम लोग बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे, किसको देखे कि रस्सी के ऊपर नाचते हुए देखे कि नहीं? रस्सी के ऊपर नाचते हुए कोई सर के ऊपर कलसी रखकर नाचते हैं, किसको देखोगे गिलासिया पर नाचते हैं, कोई तलवार पर नाचते हैं, हैं? कोई दिया जला करके भी नृत्य करते हैं, दिया जला करके सर के ऊपर में, तरह तरह से नाचने वाले तुम लोग देखे होंगे। लेकिन तुम लोग कभी देखे हो किसने सांप के सर के ऊपर में किसी को क्या नाचने देखे हो? इसलिए शंकर जी का भी बड़ा अभिमान था, भैया जितने मैं नटराज हूँ सबसे सुंदर नाचने वाले। लेकिन जब कृष्ण नृत्य किए सांप के सर के ऊपर में, सारे देवता लोग आकर के दर्शन कर रहे थे और कृष्ण सुंदर नृत्य कर रहे हैं और देवता लोग वाद्य बजा रहे थे, कहते तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पन पौ पर बिंग 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 बिनत करत नागव आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सन 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 का दिख गन 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 गंधर्व गण, नम 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 नारद मुनि सब दे तथारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी कहते प्रभु आपका बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो। बोले श्री कालियानंदन भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री कालियानंदन भगवान की। इसलिए कहते बम बम बलिहारी, मतलब शंकर जी कहते भैया प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपका बलिहारी हो। पहले तो मेरा अंदर बड़ा अहंकार था, सबसे बड़े नाचने वाला हूँ प्रभु, अभी मैं दुनिया को बता सकता हूँ भैया मेरा नाट पर नटराज है, लेकिन नट पर है मेरा पति भी भगवान कृष्ण है। इसलिए पुराण में एक श्लोक भी है, वहाँ पर बताए एक श्लोक है कि जिसमें शंकर जी का भी पति श्री श्याम सुंदर है। इसलिए कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे ना, इतने में क्या हुआ, जो उनका जो नाग पत्नियाँ वो दूर से देख रही थी खड़ी होकर, लेकिन पास में भटक नहीं रही, नहीं आ रहे। बोले क्यों नहीं आ रहे? बोले एक तो भजन करता है और हमें भी भक्ति करने नहीं देता है, हैं? ऐसे पति रहना नहीं रहना बढ़िया है, भले आप विधवा होकर रह जाएगी कोई दिक्कत नहीं, क्यों ये जो जीवन प्रभु ने दिया है किस लिए जीवन दिया है? प्रभु की भजन करने के लिए प्रभु जीवन दिया है। अगर ये जीवन पा करके अगर प्रभु का भक्ति ही नहीं हुआ तो भैया जीवन धारण करना नहीं करना बेकार है जीवन धारण करना, क्यों? जिस काम के लिए ठाकुर दिया वही काम नहीं हुआ तुम्हें जीवन में, तो ऐसे जीवन का पाना नहीं पाना कोई महत्व है? इसलिए से सुतो गोस्वामी कहते हैं तरब किम न जीवंती, अगर जिंदा रहना सबसे बड़ी वाली बात हो भैया, क्या बरगद पीपल का पेड़ क्या जिंदा नहीं रहते? हजार हजार साल जिंदा रहते हैं, हम कितने साल जिंदा रहेंगे? सौ साल, हाँ उसको पहले तो मर जाते हैं, लेकिन वो पीपल का पेड़ हजार साल। जब तरब की न भसराम की न संतो, तो एक होता है धोखनी होता है ना, जो कुम्हार लोग व्यवहार करते हैं, जो लोहार लोग हैं धोखनी देखे होंगे, उसको दीवार पर हवा आता है निकलता है जाता है, कहते वो क्या श्वास प्रश्वास नहीं लेता है? कहते न खादंती, अगर खाना सबसे बड़ी भारी बात हो बताओ, कौन सा जानवर खाते नहीं पीते नहीं सोते नहीं, सब
ना मेहनती। अगर बच्चे जन्म दे ना सबसे बड़ी बात हो, सुअर को देखो 10-10 12 12 बच्चे देता है, मेढक को तो एक साथ में 1000-1000 बच्चा देता है, मछली तो 1000-1000 बच्चे एक साथ में देते हैं। इसलिए ये नाग पत्नियां सोच रही हैं, अगर ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, पाषाणे कोटि व माथा आनले पसीबा गौरंग गुनीरा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर ये जीवन में प्रभु का भजन नहीं हुआ, वो कहते हैं अग्नि में प्रवेश करके मैं ये शरीर को त्याग दे दूंगा, सर को पत्थर पर मार करके सर फोड़ दूंगा। अगर ये जीवन पाकर भजन नहीं हुआ तो, क्योंकि ये जीवन इसलिए ठाकुर दिया, ये घर गृहस्थ के लिए दिया ही नहीं, ठाकुर तो दिया केवल भजन के लिए जीवन दिया है। इसलिए कहते ना आए थे हरि भजन को ओटो न लगे कपास, हम तो प्रभु की भक्ति करने के लिए ही मातृ गर्भ में कसम खा करके ठाकुर जी को आए। इसलिए नाग पत्नियां सोच रही हैं भैया ये मर जाए तो ठीक है, जिंदा रख रहे होगा क्या, क्योंकि खुद तो भक्ति करता नहीं, हमें भी भक्ति करने नहीं देता, हम विधवा रह जाएंगे कोई जरूरत नहीं, जिंदा रह विधवा रह जाएगी, लेकिन ऐसी पति का कोई जरूरत नहीं। इसलिए वो दूर से ना देख रहे थे क्या हो रही, लेकिन कृष्ण जब चरण के ठुकर मार रहे थे, ऐसे मार रहे थे, कालिया ने देखा हे भगवान ये क्या है, कितना उम्र कितना गया, तो कृष्ण 6 साल की थी, केवल कृष्ण 6 साल की, और जब उनको सर पर खड़े हुए थे ना, उनको ऐसे लग रहा था मानो विश्व ब्रह्मांड उनकी सर को भरा गया, ऐसे लग रहा था, भले भैया मैंने गरुड़ को साथ में भी युद्ध किया है जिसने खदेड़ दिया, लेकिन उसने मारा तो पंख से मारा, लेकिन इतना मेरे को घायल नहीं कर पाया था, लेकिन इतना छोटा सा बालक ऐसे लग रहा है ये विश्व ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर में आ गया, ऐसे वो सोच रहा था। और उसको मुंह से खून की उल्टी होने लग गई, पत्नियां दूर से देख रही थी, जब देख रही थी देखो ये मुंह ऐसे की चीज है ना, आपका मुंह देख कर पता चल जाएगा आप दुखी ना सकिए, है ना, अगर दुखी हो तो मुंह लटका हुआ देख लिया, और खुश हो तो खिलखिलाते हंसते हुए दिखा है, मुंह से पता चल जाता। वो दूर से देख रहे थे, उसका चेहरा को देख रहे थे क्या कर रहा है, जब चेहरा को देखा उसको मुंह से जो उल्टी हो रहा था, जैसे एक व्यक्ति मरने से पहले ना चेहरा अलग हो जाता है पूरा, जैसे घायल होकर के मृत्यु देखने से पता चलता ना मरने वाला व्यक्ति है घायल, उसको चेहरा को देख कर पता चलेगा तो मरने वाला है, लगता है तो जिंदा नहीं रहेगा, मरने वाला, मुंह से खून उल्टी हो रहा है। अभी क्या सोच रहा है, मेरी पत्नियां सही कहती, पत्नियां क्या कहती थी, बोले देख ये जो कृष्ण भगवान है इनको साथ में बहिर मत किया करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण होगा, भक्ति से ही तुम्हारा मंगल होगा, पत्नियां समझाई करती थी। लेकिन काली बड़ा पराक्रमी था, हैं बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, ये भगवान हो गया, नहीं मानता था। लेकिन जब उसने भगवान के चरण के ठोकर से जब मुंह से खून की उल्टी होने लग गया, देखा नहीं पत्नियां सही कहती, ये भगवान है, सचमुच से भगवान है। जब उसने पत्नियों ने दूर से देख लिया ये मरने वाला, और ये मन मन में ठाकुर के चरण में शरणागत हो गया, उसकी मन की भावों को उनने समझ लिया, ये ठाकुर के चरण में शरणागत हो गया, शरणागत हो गया मतलब क्या, भक्त बन गया, कृष्ण का भक्त बन गया। फिर वो सोच रही है अभी जो अगर पति अगर तुम्हारी कृष्ण भक्त बन जाता है, कहते सोने में सुहागा हो गया, सोने में सुहागा हो गया, जैसे कथा सुनने के लिए आओ दोनों एक साथ में सुनने के लिए आ सकते हो, कहीं वृंदावन जाओ दोनों जा सकते हो, कहीं ठाकुर की सेवा के लिए मांगो, पति अगर भजन नहीं करता है पैसा क्या करोगे, क्या करें ठाकुर की सेवा, जरूरत नहीं, लेकिन अगर भक्ति करता होगा और स्वयं ठाकुर की सेवा कर लो पैसा ठाकुर की सेवा मिलेगा, पत्नी अपने आप पैसा देगा, पति देगा। इसलिए अगर पति भक्ति में लग जाए ना, वैष्णव हो जाए, समझो चारी चांद लग गया, तुम्हारी चारी चांद लग गया, दोनों मिल करके भगवान की भक्ति भजन कर सकते हो। अभी नाग पत्नियां सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं, हम लोग कहते ना जय जय नाग पत्नी, नाग पत्नी गण क्या कहते हैं, जय दुजो पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति ते जहरा पाई लो गोविंद चरण, इन लोगों ने भक्ति से भगवान के चरण को प्राप्त किया, इसलिए देखने में ये बहुत सुंदरी थी। अगर कोई स्त्री बहुत सुंदरी ज्यादा सुंदरी हो, कम उम्र में पति मर गया फिर क्या होगा,
आप देखना जो दूसरे पुरुष है उसको ऊपर में बुरे नजर से देखना शुरू कर देते, क्यों, वो आश्रयहीन हो गई, इसलिए वो सोच रही है हम तो वैसे देखने में सुंदर ही, अगर हमारी पति मर जाएगा ना दूसरे नाग आकर के हमारे ऊपर में बलात्कार करेगा, अरे हमारे जो सतीत्व है ये सतीत्व हमारी नष्ट हो जाएगी सतीत्व, इसलिए उन लोगों ने देखा पति अभी वैष्णव बन गया, पति भक्त बन गया, भक्त पति रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया पानी को ऊपर से निकले और निकल कर प्रभु के पास में आए और भगवान को स्तुति कर रहे हैं। हाँ फिर कल सुनेंगे जे ये कालिय तो इतना दुष्ट था, कितना बदमाश था कालिय, लेकिन इतने जल्दी भक्त कैसे बने, ऐसा क्या कारण है उसको विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं इतने जल्दी भक्त कैसे बने, कृष्ण भक्त कैसे बन गया, इस कथा को हम कल सुनेंगे, ठीक है। हाँ देखो हम लोग अभी जल्दी जल्दी कथा कर देंगे क्योंकि सब किसी किसी माताओं को दूर जाना पड़ता है, इसलिए अभी आरती हो जाएगी, आरती के बाद में खैर 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है उसको पहले घर में पहुँच जाना, ठीक है, और कल जा आ रहे हैं उनको बोल देना जल्दी जल्दी आ जाए। बोले वंशा कल दुर्भस्य कृपा सिद्ध भय पतितानां पावनि भो वैष्णवे भो आप नमो नमो, आरती करो, बोलो हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण राधा अष्टमी आएगी ना उस समय दिल्ली मठ में हमारे 12-13-14 तीन दिन तो प्रोग्राम 14 तारीख को राधा अष्टमी, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा पहले से वो प्रोग्राम है, लेकिन मैं तो सोच रहा था हम यहीं पर रहे और यहीं पर रह करके राधा अष्टमी को यहीं पर अच्छे तरह से पालन करें, हम ये चाह रहे हैं, लेकिन हमको वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन वो राधा अष्टमी का जो सगर है वो 9 बजे को अंदर में वहाँ पर 8-9 बजे जनकपुर मंदिर में तथा विश्राम हो जाए, फिर उसके बाद में हम जाएंगे नाइडा, नाइडा में वो दोपहर में राधाष्टमी करेंगे, वहाँ दोपहर में राधाष्टमी विश्राम हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे वहाँ से यहाँ पर नाइडा में यहाँ पर आ जाएंगे राधाष्टमी करके, हम यहीं पर शाम को राधाष्टमी करेंगे, बढ़िया उत्सव मनाएंगे चकाचक, ठीक है। अगर आप लोग अगर बोलोगे जैसे जन्माष्टमी का दूसरे दिन हम लोग चावल आए थे, अगर आप लोग बोलोगे तो फिर हम लोग चावल ही ला सकते हैं, अगर आप लोग बोलोगे नहीं, अगर बोलोगे नहीं उसी दिन हमारा बहुत खर्चा हो गया, सबका हमने शरबत पिलाए और लिमका और क्या क्या थम सब सब पिलाए घर घर में, इसलिए आप लोगों ने घर घर में दिया है, अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा अगर वजन नहीं पड़ा उस दिन किसको खिलाने का जरूरत नहीं, कोई खिलाने की जरूरत नहीं कुछ, उस दिन तो सब लोग थाली में भर भर कर लेकर जा रहे थे, बोले भैया रोज ये होनी चाहिए क्योंकि इतना प्रसाद दिला है घर घर में, इतना प्रसाद दिला है सब थाली में भर भर करके घर में प्रसाद दिया, इसलिए इतना भी खर्चा करने की जरूरत नहीं, आप लोग कोशिश करना जैसे एक दो जैसे ये बनाता ना जैसे शरबत लेकर जाए ना कोई फल हो नहीं तो कोई मिठाई हो इतना ही रख लेना घर में, और कोशिश करेंगे हम 15 तारीख को राधा रानी जैसे जन्म हुई 14 तारीख को राधा रानी जन्म हुई और 15 तारीख को हम कोशिश करेंगे यहाँ पर उसी दिन हम किया था शाम को, हम कोशिश करेंगे उस दिन शाम को नहीं, उस दिन बताओ शाम करना सही रहेगा ना सदर रहेगा, शाम को हाँ शाम को सब आ जाते शाम को ठीक ठीक है शाम को, और कोशिश करेंगे अगर उसी दिन तो हम कुछ सीमित भक्त लोग को घर 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 में गए और जो नए नए कुछ भक्त लोग सुबह देख लेना जो हमारे और कुछ जो नए नए भक्त होंगे उनको भी ये सूचित कर देना, उस दिन भी 15 तारीख को हम ये कर लेंगे, फिर हमारे 16 तारीख को फिर भागवत कथा होगी, ठीक है, फिर 16 तारीख को हम लोग यहाँ से 16 तारीख को ठीक है, बस राधा रानी की।